हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ, अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा की रात आसमान में दिखाई देगा पिंक मून, जाने क्या है इसका महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस बार चैत्र पूर्णिमा मंगलवार 23 अप्रैल 2024 को होगी, लेकिन इस बार की चैत्र पूर्णिमा में शाम का नज़ारा कुछ अलग ही होने वाला है। इस बार चैत्र पूर्णिमा को पिंक मून, स्प्राउटिंग ग्रास मून, एग मून, फिश मून, फसह मून, फेस्टिवल मून और बक पोया के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र पूर्णिमा तिथि विभिन्न संस्कृतियों में विशेष महत्व रखती है, जहां हिंदुओं के लिए यह पूर्णिमा हनुमान जयंती से मेल खाती है, जो भगवान हनुमान का जन्मोत्सव है। तो वहीं बौद्धों के लिए विशेष रूप से श्रीलंका में यह पूर्णिमा बाक पोया पोया है, जो उस समय की याद दिलाती है जब बुद्ध ने श्रीलंका का दौरा किया था और युद्ध को टालते हुए प्रमुखों के बीच विवाद को सुलझाया था। 23 अप्रैल की सुबह जैसे ही गोधूली शुरू होगी, चमकीला तारा स्पिका अस्त होते पूर्णिमा के चंद्रमा के बाईं ओर केवल 2.5 डिग्री नीचे स्थित होगा। इसके अतिरिक्त मंगल जैसे दृश्य ग्रह पूर्वी क्षितिज से 5 डिग्री ऊपर दिखाई देंगे, जबकि शनि पूर्व दक्षिण पूर्व क्षितिज से 7 डिग्री ऊपर दिखाई देंगे। 23 अप्रैल की शाम को जैसे ही गोधूली समाप्त होगी, उगता हुआ चंद्रमा पूर्व दक्षिण पूर्वी क्षितिज से 10 डिग्री ऊपर होगा, जबकि बृहस्पति पश्चिम उत्तर पश्चिमी क्षितिज से 4 डिग्री ऊपर होगा। रेगुलस हमारे रात के आकाश में 21वां सबसे चमकीला तारा और लियो नक्षत्र में सबसे चमकीला तारा दक्षिणी क्षितिज से 63 डिग्री ऊपर होगा। 5 मई को हैली धूमकेतु द्वारा छोड़े गए मलबे से उत्पन्न एक्वायरिडस 31 इटिज उल्कापात के चरम पर पहुंचने की उम्मीद है। नासा ने कहा कि उष्णकटिबंधीय या दक्षिण गोलार्ध में इष्टतम परिस्थितियों में प्रति घंटे 50 उल्कापिड तक दिखाई दे सकते हैं। इन खगोलीय घटनाओं विशेष रूप से उल्कापात को देखने के लिए एक अंधेरा स्थान ढूंढें और उल्काओं और ग्रहों के संरेखण की दृश्यता को अधिकतम करने के लिए अपनी आँखों को कम रोशनी की स्थिति में समायोजित करने के लिए पर्याप्त समय दें। हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।